हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बीटरूट का हलवा बनाने वाले हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि बीटरूट आ गया घर में तो या तो सैलेड बना के खाएंगे या तो फिर उसका जूस बनाएंगे। तो हर बार बोरिंग चीज़ें थोड़ी ना खानी है, कुछ नया नया भी ट्राई कर सकते हैं ना। तो आज हम बीटरूट का हलवा बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। इनफैक्ट ये हेल्दी भी बहुत है और बनाने में तो बहुत ईजी है। तो फटाफट से देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीटरूट को पील कर लेंगे, छील लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बीटरूट को छीलने के बाद कद्दूकस किया है। हाँ, कद्दूकस करना ज़रूरी है, जैसे हम गाजर के हलवे के लिए कद्दूकस करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। फिर हम एक पैन में घी लेंगे, एक चम्मच के करीब घी लेना है, मेल्ट होने देना है। जैसे घी गर्म हो जाएगा हमें यहाँ पर चुकंदर ऐड कर लेना है, बीटरूट ऐड करना है, और अब इसे पकने देंगे। जब तक ये थोड़ा सॉफ्ट नहीं हो जाता और इसमें से जितना भी पानी है वो सब बर्न नहीं हो जाता, तब तक पकाएंगे। फिर हम दूध ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा कप से थोड़ा सा ऊपर दूध डाला है। जैसे ही दूध पूरा बर्न हो जाता है उसके बाद शुगर ऐड करेंगे। तो 4 स्पून के करीब हमने शुगर लिया है एक बड़े बीटरूट के लिए। ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और शुगर जब तक मेल्ट नहीं हो जाती और ये पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाता तब तक इसे कुक करेंगे। अब आप सब कहेंगे कि इसमें शुगर डाल दिए तो ये हेल्दी कैसे हुआ। तो आपको क्या करना है, अगर इसे प्रॉपरली हेल्दी बनाना है तो शुगर की जगह आप यहाँ पर गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल प्रॉपर हेल्दी हो जाएगा, बहुत टेस्टी लगता है। आप भी ट्राई कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। इसी तरह के नई वीडियोस ही अपडेट के लिए आप हमें इस आईडी पर इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल सिस्टर्स रेसिपी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।